स्कूटी पर सवार जिन दो युवकों को पुलिस पीट रही है वो कोई चोर नहीं है, वो कहीं चोरी करके नहीं भाग रहे हैं। इन्होंने किसी के साथ मारपीट भी नहीं की है, इन्होंने कहीं डाका भी नहीं डाला है, मतलब ये अपराधी नहीं है और ना ही कोई अपराध करके भाग रहे हैं। हाँ, एक गलती इनसे हुई है, वो ये कि इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है और बिहार की पुलिस ऐसे ही बाइक की चेकिंग करती है। ये बिहार की होनहार पुलिस का अपना स्टाइल है, ये कभी भी किसी के घर देर रात घुसकर रेड कर देती है। बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी देश के तिरंगे पर लाठी से प्रहार कर देते हैं, जिसे देखकर इन छोटे पद वाले पुलिस कर्मियों ने सबक लिया है और अब ये नए स्टाइल में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। बिहार का पूरा सिस्टम अफसरशाही में लीन है, तो जाहिर है इन्हें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। वैसे भी इन लोगों ने अपने बड़े साहब से ही ज्ञान लिया है, तो इन्हें कौन समझाएगा, और अगर सवाल भी किया जाएगा तो कह देंगे बड़े साहब तो झंडे पर लाठी चलाए थे, हम तो सिर्फ बिना हेलमेट पहने स्कूटी वाले को पीटे हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए जिस हेलमेट को लेकर ये अभियान चला रहे हैं, इनके ऐसे डंटियाने से बड़ा हादसा हो सकता है और इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। पूरा मामला बिहार के जमुई का है, जहां हेलमेट नहीं पहनने पर स्कूटी सवार पर पुलिस ने लाठी से प्रहार किया। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बिहार की होनहार पुलिस स्कूटी सवार पर लाठी बरसा रही है, मानो उसने हेलमेट ना पहनकर कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। और बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने वाले बिहार की पुलिस को आतंकवादी लगते हैं। दरअसल बड़ी गाड़ियों की चेकिंग करना जब पुलिस के वश में ना हो तो छोटे वाहन वालों पर बिहार पुलिस ऐसे ही वर्दी का रौब दिखाती है, जो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वो नियम था, वो नियम था आपको मारने का। चलिए आइए। बहरहाल ये बाहर वाला बिहार है, ये सुशासन राज वाला बिहार है, ये जनता राज वाला बिहार है, लेकिन बिहार पर अफसरशाही हावी है और अब कानून का पालन कराने वाली पुलिस तानाशाही रवैया दिखा रही है। जाहिर है शरीर पर वर्दी है, हाथ में डंडा है, तो इसका इस्तेमाल कहीं तो किया जाएगा, क्योंकि इनकी बहाली इसलिए की गई है जब जरूरत पड़े किसी के घर घुसा दो, जब जरूरत पड़े किसी के घर घुसा दो, जब जरूरत पड़े किसी को गाली दिलवा दो, जब जरूरत पड़े किसी पर डंडा चलवा दो, जब जरूरत पड़े विधायकों को पिटवा दो। अब देखना है इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब पुलिस से पिटवाने वाले और पुलिस से पिटने वाले दोनों सत्तासीन हैं। इंतजार कार्रवाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 11। पूरी बिहार की जनता जिसको देख रही है, सुन रही है, और क्योंकि न्यूज़ 1 11 सच्चा खबर छापने का काम करता है, हम भी अपने मोबाइल से इसको सब्सक्राइब करने का काम किए हैं। ये सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाइएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और तमाम यूथ छात्र इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको शेयर करके आप फैलाने का काम कीजिए, सच्चा खबर छापने का काम करता है। धन्यवाद। न्यूज़ 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।